बात तो करने दीजिए। काय की बात? बात नहीं करने देंगे, ऐसे मत कीजिए आप। परिवार अपना जो एनजीओ है उसके फाउंडेशन वो सारी निकाल के बताए और तब मोदी जी के सामने रख देते हैं। मोदी जी की संपत्ति निकाल लीजिए और बराबर कर ले, फिर कौन भ्रष्टाचारी है पता चल जाएगा। अम्बेडकर कौन थे? कौन थे बाबा? थे और कौन थे? और बाबा साहब अम्बेडकर को कौन नहीं जानता, पूरी दुनिया जानती है। अम्बेडकर को जानते हैं जी? क्या किया था उन्होंने? मैम मेरा थोड़ा मूड ऑफ है, आप किसी और से बात कर लीजिए। देश में किसी भी तरह की धर्म की राजनीति नहीं, राष्ट्र की बात करते हैं, सारे कल्चर को सपोर्ट करना चाहिए। संविधान से देश नहीं चल रहा है, बिल्कुल नहीं चल रहा, लोकतंत्र खतरे में है। भारत अमृत महोत्सव मना रहा है, लोगों को अनाज नहीं मिल रहा तो अमृत से पेट भरेगा। अम्बेडकर जी का मतलब योगदान है, संविधान निर्माता है, उनकी वजह से हम यहाँ पे हैं। नमस्कार, मैं शिखा सिंह अभी दिल्ली के सीपी में मौजूद हूँ। हमारे चारों ओर आप देख सकते हैं तमाम लोग मौजूद हैं, यहाँ पे हजारों की संख्या में लोग हैं। आप मेरे पीछे देखिए, कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे कि कितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं। हालांकि इस समय में सीपी पे भारी तादाद में लोग मौजूद होते हैं और आपको जैसा कि याद है कि 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती मनाया जाएगा और हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे कि अंबेडकर जयंती पे ये क्या बोलना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं लोगों से। बढ़िया ही है, मतलब हम क्या कहना चाहेंगे, बढ़िया ही बन रही है। अंबेडकर कौन थे? कौन थे बाबा? थे और कौन थे? और कौन थे अंबेडकर? कौन थे अंबेडकर? ने ये कानून बनाया तो जयंती निकलनी चाहिए उनकी। कौन सा कानून बनाया? सारा जो भी उसके में उन्हीं की है, और संविधान लिखा है। संविधान लिखा उन्होंने, अच्छा लिखा, अच्छा किया, अच्छा किया। तो संविधान से देश चलना चल रहा है और क्या। संविधान निर्माता थे, उन्होंने करा भी अच्छा, मतलब लोग में अब जागरूकता भी है। अभी पहले तो लोग जानते भी नहीं थे उनके बारे में, अब तो जागरूकता भी है लोगों के बारे में। अंबेडकर ने क्या किया? संविधान निर्माण किया था ना जी, सब ऐसा भी बहुत सारी चीजें थी। उन्होंने वो दलित वगैरह का वर्ड हटाया था ना जी, उन्होंने मतलब हरिजन जैसे नाम दिया था, वो सब भी तो किया था ना उन्होंने। दलितों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए या नहीं? सबको मिलना चाहिए जी, हम तो कहते हैं सबके लिए निर्धारित होना चाहिए कि कोटा होना चाहिए सबके लिए। मैं तो कहता हूँ बराबर का होना चाहिए, जनरल के लिए, सबके लिए जी, सबके लिए होना चाहिए ना। जब अगर आप दे ही रहे हैं तो सबको बराबर देना चाहिए ना, किसी को अलग क्यों, सब एक ही ना। तो दलित के साथ ज्यादा शोषण हुआ है इसलिए। अब तो जी मॉडर्निटी हो गई, अब तो ऐसा कुछ है नहीं, अब तो सरकार भी समझती है ना, वो चीज तो है नहीं। अब तो जनरल वालों को कहाँ मिलता है, एसीबीसी वालों को ज्यादा मिलता है, तो सबको ही देना चाहिए, हम तो ये मानते हैं। अम्बेडकर ने अच्छा काम जी जी जी। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि बुलडोजर से देश चलेगा, राम राज से हिंदू राज से देश चलेगा। जी वो देश तो हिंदू है, मुस्लिम है, ईसाई है, सिख है, सबका देश है ना, देश की तो कोई वो है ही नहीं। बार हर धर्म कोई मानते हैं ना, तभी विविधताओं के कारण ही अपना देश एक है ना। हर धर्म के लोगों की यहाँ सब कुछ की जाती है, वो एक अलग धारणा है, वो एक बांटना चाहते वैसा तो कुछ भी नहीं होता ना। सब सरकार तो सबका साथ देती है ना, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो सिख हो ईसाई हो, सबका। बुलडोजर जो चलता है उस पर आप क्या कहें? वो सरकारों के हाथ में है जी, उसके बारे में आप क्या कमेंट कर सकते हैं, वो सरकार के बारे में। क्या अंबेडकर को जानते हैं जी? क्या किया था उन्होंने? मैम मेरा थोड़ा मूड ऑफ है, आप किसी और से बात कर लीजिए। अंबेडकर जयंती होने वाली है सर, क्या कहेंगे आप 14 अप्रैल? लोकतंत्र के लिए उन्होंने एक संविधान लिखा था कि हमारे देश में लोकतंत्र हो, लेकिन आज हमें लगता है कि लोकतंत्र लोकतंत्र नहीं रहा, परलोकतंत्र हो गया। दैट्स ऑल। भारत अमृत महोत्सव मना रहा है, लोगों को अनाज नहीं मिल रहा तो अमृत से पेट भरेगा। जिनके लिए अमृत मना रहे हैं, अमृत काल मना रहे हैं, पहले उनको अनाज तो मुहैया करवा दो। तो अंबेडकर ने संविधान लिखा था जी जी, तो क्या लग रहा है संविधान से देश चल रहा है? नहीं जी। तो किससे चल रहा है? डिक्टेटरशिप से, डिक्टेटरशिप से। अंबेडकर ने क्या कुछ किया था, आप उसके बारे में कुछ कहेंगे? नहीं, उसके बारे में तो कुछ नहीं कहेंगे। अंबेडकर ने अच्छा काम नहीं किया? अच्छा काम किया, संविधान लिखा तो अच्छे किया ना। हाँ। पर हमारे जो पंजाबी है जहाँ सिख है उनको संविधान कुछ मिल नहीं रहा, जैसे कैद कट रहे हैं, सजा कट रहे हैं, पूरी हो रही है उनकी सजा। हाँ भैया, क्या कहेंगे? बाबा साहब को जानते हैं? बाबा साहब अम्बेडकर को कौन नहीं जानता, पूरी दुनिया जानती है। वो अच्छे इंसान थे, अच्छा कर्म किए हैं, अच्छा सब कुछ किया उन्होंने, बस इससे आगे मेरे को अभी कुछ नहीं बोलना है। अच्छा, अभी किसके किसके लिए किया? वो अपने जनता के लिए किया है, पब्लिक सिटी किया है, अपने जनता के लिए किया है, दलितों के लिए किया, दलितों के लिए, महिलाओं के लिए, महिलाओं के लिए, तो सबसे बड़े जिसे महिलाओं के लिए किया। अभी उनकी जयंती होने वाली है। हाँ, बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती भी होने वाली है। कब है बाबा? मेरे को तो पता नहीं, डेट नहीं पता है, लेकिन हाँ अम्बेडकर जयंती होती है तो पूरा भारत अपना मनाता है। हाँ। सूत्रों ने कुछ लोग नहीं मना रहे हैं, कुछ लोग नहीं मनाने दे रहे हैं, क्या कहेंगे उनको?
मैं इसके विषय में कुछ नहीं बोल। संविधान से देश चल रहा है? हाँ, संविधान से देश चल रहा है। 14 अप्रैल को अम्बेडकर की जयंती है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की, आप क्या बोलना चाहते हैं लोगों को उनके बारे में? जी, अम्बेडकर जी का मतलब योगदान है, संविधान निर्माता है, उनकी वजह से हम यहाँ पे हैं। इक्वालिटी का जो प्रिंसिपल है वो उन्होंने ही लाया, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए किया है, और जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, रिजर्वेशन सिस्टम, वो उन्होंने। बैकवर्ड से? जी बिल्कुल। तो आप लोगों को लग रहा है कि कुछ लोग कहते हैं कि संविधान से नहीं, हिंदू राज से देश चलेगा, राम राज से देश चलेगा, बुलडोजर से देश चलेगा, उसको क्या कहें? नहीं नहीं, कहीं ना कहीं हमें संविधान को भी तो मानना ही पड़ेगा। नहीं, हर चीज़ थोड़ी मतलब हम कहीं ना कहीं संविधान, हिंदू राज चाहिए, राम राज चाहिए या संविधान? संविधान चाहिए, हिंदू राज चाहिए। इधर आइए 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 यहाँ आइए यहाँ आइए। आपके घर तक वीडियो नहीं जाएगी, आ जाओ। मोदी को जाएगी वीडियो, देख लो। तो देख सकते हो भाई साहब अभी यहाँ पे मौजूद है, उनके घर वालों को पता नहीं है, उनको हिंदू राज चाहिए, हालांकि वो हिंदू राज के बारे में बोले। आप क्या बोलेंगे? नहीं नहीं, पहले तो संविधान ही होना चाहिए ना, हिंदू राज तो बात की बात है। बुलडोजर चल रहा है, सही चल रहा है आपका अधिकार, संविधान आपको बोलने का अधिकार देता है, और आप अभी बोल रहे हैं जो माफियाओं पे बुलडोजर चल रहा है वो सही चल रहा है। तो किस पे गलत चल रहा है? किस पे गलत तो किस पे नहीं चल रहा, अगर जो कानून के तहत आ रहा है वो उस पे चल रहा है तो अच्छा। बुलडोजर तो संविधान के खिलाफ है। संविधान के खिलाफ नहीं है, जो माफिया है, जो अवैध तरीके से जमीन हड़प के बैठे, उनके खिलाफ तो सही है। चलिए, ये लोग बोल रहे हैं संविधान भी चाहिए और हिंदू बुलडोजर भी चाहिए। बी आर अम्बेडकर को जानते हैं? जी। क्या किया था उन्होंने? हुँ? क्या किया था अम्बेडकर? अभी टाइम नहीं है मैडम। हेलो सर, बी आर अम्बेडकर को जानते हैं? नहीं, ज्यादातर लोग तो बी आर अम्बेडकर को जानते ही नहीं है। अम्बेडकर को जानते हैं? उनसे पूछे, हम नहीं जानते। अम्बेडकर को नहीं जानते? हाँ, उनसे बात की, हमारा गला थोड़ा पकड़। आप बात करेंगे? क्या किया था उन्होंने? क्या किया था यार? वो संविधान बनाया था। हाँ। संविधान बनाया। अच्छा अच्छा बनाया, अच्छा काम किया है। जी, क्या क्या संविधान में क्या है? क्या है अपने सबसे तो इक्वालिटी का चीज सबसे अच्छा चीज है, बस और क्या बोलूं। दलित और पिछड़ों के लिए अच्छा काम किया है। हाँ किया है। हाँ। तो संविधान से देश चल रहा है? चल रहा है, क्यों नहीं चल रहा है, चल रहा है। ज्यादातर लोगों को बी आर अम्बेडकर के बारे में मालूम नहीं है, लेकिन फिर भी हम बातचीत करने का जो सिलसिला है वो जारी रखेंगे, हम लोगों से पूछेंगे। अम्बेडकर को जानते हैं? अम्बेडकर को अम्बेडकर नहीं जानते। बी आर अम्बेडकर को नहीं जानते? हाँ, बी आर अम्बेडकर को कौन नहीं जानता। क्या किया था उन्होंने? उन्होंने किया है बहुत कुछ किया है पढ़ाई लिखाई के मामले में। संविधान किसने लिखा? संविधान इतनी जानकारी नहीं। अम्बेडकर को जानते हो? जी बिल्कुल जानते हैं। क्या किया था उन्होंने? उन्होंने संविधान लिखा हमारा। अच्छा लिखा, अच्छा किया, ठीक लिखा है। कुछ चीजें हैं जो उन्होंने उस टाइम पे लिखी थी, अभी उनकी नीड नहीं है, बट चलो कोई नहीं। जैसे जैसे देखिए, एक तो है हमारे यहाँ पे जो अभी रिजर्वेशन का जो चल रहा है, ठीक है, एक टाइम पे था उन्होंने लिखा संविधान, ठीक है, उस टाइम पे नीड थी, उस टाइम पे जो ओप्रेस थे उनकी नीड थी बिल्कुल, बट चलिए अभी भी कुछ है चल रहा है जो देश में, चलिए कोई इशू नहीं है अभी जिस हिसाब से चल रहा है, बट कुछ इश्यूज हैं जिन पे अभी गौर फरमाया जाना चाहिए इस टाइम। तो जनरल वालों को भी EWS मिल चुका है? जी बिल्कुल मिल चुका है, बट वही है ना, कुछ चीज़ें हैं मेरे हिसाब से, हर तरह की चीज़ जो इस टाइम पे गवर्नमेंट की तरफ से दी जा रही है ना एक एक्स्ट्रा में, चाहे वो जर्नल है या फिर आप कह सकते हैं कि उस टाइम पे नीड थी रिजर्वेशन की, वो अभी इस टाइम नीड नहीं है। अभी मेरे हिसाब से, जब मैं कह रहा हूँ कि मेरे हिसाब से तो अभी इस टाइम पे ज्यादा जातिवाद था इसलिए उस टाइम पे, उस अब जातिवाद नहीं, अभी भी है कुछ कुछ एरियाज में है, जैसे कह सकते हैं कि आप कह दीजिए गांव देहात एरियाज हो जाते हैं वहाँ पे है, अपने इस टाइम पे जो हमारे यहाँ पे शहरी एरियाज हैं वहाँ पे मुझे जहाँ तक लगता है पहले से कुछ कमी आई है, यहाँ तक लगता है। मतलब आपको ये लगता है कि दलितों के साथ गलत हुआ था? बिल्कुल, उस टाइम पे नीड थी, बिल्कुल मैं उस टाइम पे अग्री करता हूँ कि उस टाइम पे थी, लेकिन अभी जो है पहले से काफी कम हो चुका है, लेकिन बाकी गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कि उनका जो है आगे इसको लेके क्या आगे रहेगा रुझान, वो उन पे डिपेंड। संविधान में कुछ चीजें हैं उसको संशोधन होने की जरूरत है अभी मुझे ऐसा लगता है, जहाँ तक मुझे लगता है, लेकिन फिर भी आगे अगर बाकी गवर्नमेंट देखें वो अगर इसमें करते हैं कुछ संशोधन तो वो उन पे डिपेंड करता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि बुलडोजर से देश चलना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं राम राज से देश चलेगा, हिंदू राज से देश चलेगा, आपको क्या लगता है? जी मेरे हिसाब से इस पे तो मैं कोई टिप्पणी अभी करना नहीं चाहूंगा कि किस पे किस तरह से देश चलेगा, लेकिन अभी राइट ना जो गवर्नमेंट कर रही है
ठीक है, उनके जो डिसीजन हैं कुछ जो रहे हैं हमारे पास्ट में, जिनको कह सकते हैं कि काफ़ी टाइम से रुके हुए थे कुछ कार्य ऐसे जो गवर्नमेंट ने करे हैं पूरे, जो कि संविधान से देश चलना चाहिए या नहीं। संविधान से बिल्कुल चलना चाहिए मेरे हिसाब से, तो जो उन्होंने लिखा है और जैसे हिसाब से देश चल रहा है उसी पे ही, संविधान पे ही हमें उसे लागू करना, जो चल रहा है इस टाइम पे बिल्कुल संविधान से ही चलना चाहिए, उसके अगेंस्ट जो हो रहा है वो नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। बुलडोजर चल जा रहा है बिना किसी नोटिस के, बिना, ये सही है या गलत? देखिए इस पे तो मैं अभी राइट किसी तरह की, मुझे तो इसमें ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मैं जिस चीज़ में मुझे नहीं है उसमें अभी किसी तरह की टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, बट बाकी डिपेंड करता है अब आगे किसी के साथ अगर हो रहा है गलत तो उस पे ज़रूर। 14 नवंबर को बीआर अंबेडकर की जयंती मनाई जा रही है, उस लोगों को क्या संदेश देना चाहिए, उन्होंने क्या कहा? यही कहना चाहूँगा कि जो भी उन्होंने संविधान में लिखा था हमें पूरे राष्ट्र को उसको उसका पालन करना चाहिए, जो भी हुआ है, जो भी उन्होंने हमें एक संविधान में दिया है, हमें इतने हमारे जो पुराने रहे हैं उनका, जो भी उन्होंने हमें देश को एक एकजुटता के तौर पे हम रहें चाहे वो किसी भी धर्म के हों, तो उसका बिल्कुल हमें पालन करना चाहिए देश में जो है हमारे, क्योंकि धर्म के राजनीति से देश चलने नहीं वाला। पहली बात, आपको लगता है कि धर्म की राजनीति हो रही है? इस पे तो मुझे अभी मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी इन चीज़ों पर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन ये है कि देश में किसी भी तरह की धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए और देश में एकजुटता के तौर पर ही हम देश को आगे लेके जा पाएंगे। कि मुसलमान जो है वो खतरा है हिंदुओं के लिए, इस पे तो मुझे किसी तरह की अभी जो है, आपको लगता है आपके कोई मुस्लिम दोस्त हैं, आपको लगता है कि खतरा है? इसके रिगार्डिंग मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, बाकी प्यार मोहब्बत से रहेंगे तो देश चलेगा, झगड़ के तो कोई भी देश तरक्की नहीं कर पाया। तो कहीं ना कहीं बार जो अंबेडकर ने कहा है उसी को हम लोगों को फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल, संविधान को हमें फॉलो करना चाहिए और उसी से देश चलने वाला, उसी से देश की तरक्की होगी, झगड़े की राजनीति से, धर्म की राजनीति से कुछ नहीं होने वाला। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे और भी लोग हैं, आप लोगों को क्या लगता है? चलिए हम और भी लोगों से हम बात करेंगे। बी आर अम्बेडकर के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती है, क्या जानते हैं उनके बारे में? अम्बेडकर जी ने जो एक शेड्यूल कास्ट के लिए जो लॉ बनाया है वो काफ़ी ज़्यादा आज के डेट में मतलब प्रभावित है लोगों को, और कहीं ना कहीं उनको आरक्षण को भी लेकर बहुत ज़्यादा वैल्यू मिल गई। आरक्षण, बहुत लोग कहते हैं आरक्षण गलत है। नहीं, आरक्षण अगर एक सोसाइटी को अपग्रेड करना है तो आरक्षण ठीक है, उसके लिए ठीक है। बाकी अगर एजुकेशन में देखें तो हम लोग जो सफ़र करते हैं जनरल कैटेगरी के, वो थोड़ा सा, आप जनरल कैटेगरी, मैं जनरल, फिर भी आप आरक्षण को सपोर्ट कर रहे हैं? मैं चाहता हूँ कि जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं वो जो अलग कल्चर में रह रहे हैं वो बाहर निकल कर आएँ, पढ़े लिखें। कुछ लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र अगर एक सोसाइटी को एक को अगर कोई वैल्यू दे रहा है तो मुझे नहीं लगता कि आप सेकुलर देश में रह रहे हो, तो कहीं ना कहीं सही होना चाहिए, सारे कल्चर को सपोर्ट करना चाहिए जी। हिंदू राष्ट्र नहीं होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं भी एक हिंदू हूँ, मैं चाहता हूँ कि हाँ हिंदू को कहीं ना कहीं ज़्यादा महत्व मिले, बट हिंदू राष्ट्र को लेकर ऐसे हिंदू, आपको क्या लगता है हिंदू तो खतरे में है? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं लगता है, आज हम भी सब जगह घूम रहे हैं, अलग अलग सिटी जा रहे हैं, ऐसा तो कहीं नहीं लगता है। मुसलमानों से खतरा? मुसलमानों को नहीं, देखो यार हर सोसाइटी हर कम्युनिटी में कहीं ना कहीं लोग अलग अलग मेंटेलिटी वाले लोग होते हैं, तो मैं नहीं मानता कि कहीं ना कहीं खतरे में है। यहाँ पे मेरे साथ और भी लोग मौजूद हैं, आपको क्या लगता है बी आर अम्बेडकर ने जो किया वो सही किया? हाँ सही है, सही है। हाँ। जो आरक्षण जो दिया वो सही है? हाँ मतलब सही है, इट्स ओके, वी आर ऑलरेडी गेटिंग लेट। अंबेडकर जयंती है 14 अप्रैल को, क्या कहेंगे? क्या बोलना क्या है? अंबेडकर जयंती है, लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? संविधान, उनका जो संविधान है उसके अनुसार देश चले। हाँ। संविधान के अनुसार देश चले, चलना चाहिए। लग रहा है चल रहा है ना? अभी तो फिलहाल नहीं चल रहा है, संविधान के हिसाब से नहीं चल रहा है देश, अभी नहीं चल रहा। आप देख सकते हैं कि ये बोल रहे हैं संविधान के हिसाब से कैसे नहीं चला, कैसे कह सकते हैं? अभी इसके रिजल्ट में आप दूसरे और हम पब्लिक से पूछ लो, अब हम आप अभी ये मानते हैं कि संविधान से देश नहीं चल रहा है? बिल्कुल नहीं चल रहा, लोकतंत्र खतरे में है। कैसे कैसे खतरे में? अब सामने आ रहा है, जो सामने आ रहा है उसको बताने के क्या आवश्यकता है? क्या आप बताइए, खुल के बताइए, डरते हैं किसी से? डर के डरने के क्या डरते हैं आप? डरना, देश में रहना है तो किसी न किसी से तो डरना पड़ेगा ही। तो स्वतंत्र भारत है ये, स्वतंत्र भारत रहा कहाँ? हाँ। सारे सिकंजा ईडी सीबीआई सारे का है। हाँ। बिल्कुल सीबीआई ईडी आईटी से बीजेपी पे हमला कर रहे हैं।
अब बीजेपी हमला समझिए जो समझिए, मतलब स्वतंत्र भारत नहीं है अभी, बिल्कुल नहीं, संविधान से नहीं चल रहा, नहीं चल रहा है। आरक्षण सही है या गलत? आरक्षण तो सभी पर लागू हो गया, आरक्षण तो रहना ही नहीं चाहिए, एक एक शिक्षा नीति लागू हो जाना चाहिए। एग्री करते हैं इनके बात पे? लोकतंत्र खतरे में है? नहीं, संविधान से देश चल रहा है। हाँ? ये कह रहे हैं चल रहा है, चल रहा है, इनके नजर में चल रहा होगा, सबके बोलना है, जरा सारा बोलने का अधिकार है। हम भी समझे भाई, जानना चाहेंगे ना कि क्या क्या कमी बोले। हाँ बताइए, हम जानना चाहते हैं कि कहाँ संविधान नहीं चल रहा है, बताइए, समझा दीजिए भाई, आप उम्र दराज हैं भाई, बड़े भाई ही मान के हमको समझा दीजिए कि कहाँ संविधान की त्रुटि हुई है, जरा हम भी तो सुनना चाहते हैं। अभी 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 हाल फिलहाल में एक घटना घटा। हाँ। आप एक बात बताइए, विपक्ष के नेता अगर बोल रहा है 20,000 करोड़ कहाँ से है तो बता देने में क्या है, अडानी आपके मित्र हैं या नहीं है, बता देने में कहाँ तो ये हो रहा है। अगर विपक्ष के लोग अभी अभी SBI के चेयरमैन की कौन एक महिला थी पद से हटी है तो बोल रही है कि नहीं स्वतंत्रता नहीं है, जो पद पर रहेगा जो पद पर रहता है उसको नहीं बोलना पड़ता है। बोलिए आप इनके पास से एग्री करते हैं? अच्छा सुनिए, अब इनके कहने का मतलब एक SBI की महिला निकली, ठीक ना, अडानी के पास कहाँ से उतने पैसे आई है? हाँ अडानी के पास पैसे, अडानी को मुद्रा पोर्ट किसने दिया था, जो पूछ रहे हैं वही दिए थे, ये बताएं। राजस्थान में कितनी जमीन दी गई है अडानी को, कौन पार्टी दी है? 5 coal block दिया गया है छत्तीसगढ़ में, कौन सी पार्टी दी है? भैया नहीं भैया, एक बात हमको बताओ, एक बात बताओ, टेंडर के प्रक्रिया है, टेंडर में सारे चीज होते हैं, टेंडर में टेंडर, मोदी जी टेंडर से नहीं कर रहे हैं, सिर्फ कांग्रेस के लोग टेंडर से करते हैं, वही काम मोदी जी कर, तुम करो तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर लीला, गजब का दोगला पंथी है भाई, यही तो बात है, आपको नहीं कह रहे हैं ये, हम कांग्रेस को कह रहे हैं, इसको अन्यथा मत लीजिए, क्या कहेंगे आप, जवाब दीजिए, नहीं कह रहे हैं आपको, नहीं कह रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में बैठ के प्रधानमंत्री जो जाते हैं अडानी को लेकर, वो क्या कहते हैं, वो भी टेंडर निकालने के लिए ऑस्ट्रेलिया जाते हैं प्रधानमंत्री जी, अडानी के लेके जाते हैं, श्रीलंका में बिजली का काम अडानी जी को, अच्छा जाते हैं विदेश में लेके, देश के बाद छोड़िए विदेश में जो बैठा के ले जाते हैं बगल में, प्रधानमंत्री अपने देश के उद्योगपति को ले जाके अगर मजबूत कर रहा है, वहाँ वो पैसा कमाएगा, तो अपने देश की अगर कंपनी है तो वो टैक्स देगी भारत को कि नहीं? अरे बिल्कुल, हम ब्रिटेन की कंपनी को ले जाएं? आप लोग बोल नहीं रहे भैया, आप लोग यही करिए यहाँ पे बैठ के, और कुछ तो है नहीं, दरअसल एक संविधान से देश चल रहा है, नहीं चल रहा है, खूब चल रहा है, आपने बोला नहीं चल रहा है, नहीं नहीं नहीं, हम दूसरे अडानी पे समझ रहे थे, खूब चल रहा है, कांग्रेस राज में अडानी आया था, कहाँ संविधान की, अच्छा अडानी को उखाड़ के, अडानी को बोलिए मोदी को उखाड़ के फेंक देने, नहीं अडानी का नाम बोल जाओ, अडानी क्यों, उन्होंने घोटाला किया, अच्छा 80,000 करोड़ रुपया जो टैक्स दे रहे हैं वो कहाँ से आएगा, उससे इस देश का काम तो होगा नहीं, जनता का जो पैसा है, किस जनता का कौन सा पैसा, LIC का, अच्छा LIC का, SIC का GM ने, LIC के GM ने क्या कहा कि हमारा पैसा डूब गया, आपने सुना? सुनिए ना, हमारे बात का जवाब सुनिए, सुनिए ठीक है, मान लिया कि पैसा नहीं डूबा, मान लिया कि कुछ जब JPC की गठन मांग रहे हैं, JPC से जांच हो तो क्या दिक्कत, अच्छा एक बात बताइए, 5 लोगों की कमेटी सुप्रीम कोर्ट बनाया है, माने ये जो जितने चोरवा गैंग है 14, कौन चोरवा, सुनिए अच्छा, अच्छा एक बात बताइए, लालू की कुल संपत्ति कितनी है, मुलायम सिंह के परिवार अभी की कुल, तो, अभी तो, हाँ अभी तो नहीं, नहीं, मेरे, मेरा पूरा सुन लीजिए, तब एक मिनट पूरा सुन लीजिए, सुन लीजिए, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, लालू की कुल संपत्ति कितनी है, मुलायम सिंह की कुल संपत्ति कितनी है, स्टेलिन की कुल संपत्ति कितनी है, गांधी परिवार अपना जो NGO है उसके फाउंडेशन, वो सारी निकाल के बताए, और तब मोदी जी के सामने रख देते हैं, मोदी जी की संपत्ति निकाल लीजिए और बराबर कर ले, फिर कौन भ्रष्टाचारी है पता चल जाएगा, बुलाइए लाइए ला दीजिए, समझ में आ जाएगा, और संविधान की बात कर रही है, 6 महीना इसी दिल्ली में छोटे छोटे बच्चों को और औरतों को बिठा के, और मोदी को गाली दिया गया, लाठी चला क्या, कहा गया ना कि मोदी मर जा तू, कहा गया ना अमित शाह मर जा तू, कौन लोग वहां थे जो जो राहुल गांधी के साथ घूम रहे थे, वही CAM थे, 6 महीना किसान आंदोलन चला, कहा गया एक साल हिंदू औरतें टकटक किसानों के ऊपर गाड़ियां चला दी गई, हाँ जो 26 जनवरी को कौन चढ़ा था झंडा उतारने,
क्या करना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए, आप लोगों के हिसाब से उनकी पूजा करना चाहिए, जो हमारे जो जो 26 जनवरी जिस दिन संविधान, या संविधान की बात कर रही है सुनिए, या संविधान की बात कर रही है, उसी दिन 26 जनवरी सन 1900 एक मिनट भाई, संविधान की बात, मेरी बात पूरी नहीं हुई थी, काटिए नहीं, सुनिए मेरी बात, नहीं तब तक नहीं बोलने दूंगा जब तक मेरी बात पूरी नहीं होगी, मैं संविधान पे बोलूंगा, नहीं नहीं नहीं, मेरा मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, अरे मैं काट के नहीं, काट के नहीं, अरे मेरे राजा, इनको बोलवाइए, कोई दिक्कत नहीं, हाँ काट दी, काट दीजिएगा, चलेगा, बोलिए आप क्या बोलना चाहते हैं, थोड़ा सा आराम, भाई देव से ये बोलेंगे, घर पर बोलूंगा मैं, थोड़ा सा, अरे आपकी बात क्यों, थोड़ा सा आराम से, क्यों वीडियो बना लो जी, थोड़ा सा आराम से, सुनो थोड़ा धीरे, थोड़ा सुनो, ये बोलने नहीं दे, अरे दोस्त मेरी बात काट के और दूसरे की बात कर रही, करवा रही, ये है इनकी सच्चाई, चलो चलो चलो, हम नहीं बोलना चाहते, अरे बोले भैया, मैं संविधान, नहीं मेरे संविधान पे बात पूरी हो जाने दीजिए, आप उनको बोलो, अरे मेरी बात तो पूरी हो जाने दो, मेरी बहन बोलो बोलो, मुझे बोल तो लेने दो, मेरे मन दो ही मिनट दे दो, बोलो कि हाँ इतने मिनट में, मैं कह रहा हूँ सीए के नाम पे 6 महीना, अच्छा एक साल किसान आंदोलन के नाम पे, यह कहा गया कि हिंदू औरतें टके टके जोगराज कहा था, कौन ताली बजा रहे थे पीछे, या उस समय संविधान, उस समय संविधान खतरे में नहीं था, देखिए पूरी बात तो हो जाने दीजिए, सर आप बात कंप्लीट की, आप सवाल से भटक रहे हैं, आपका सवाल क्या, बोला क्या, क्वेश्चन क्या, आप जो आप बताइए क्वेश्चन क्या, संविधान फ्रीडम आप इस बीच नहीं है, संविधान का, संविधान का यही क्वेश्चन था ना, यही क्वेश्चन था कि संविधान, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, सुनो सुनो बात 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 सुनो बात सुनो, संविधान में क्वेश्चन नहीं था इनका, था अदानी सही कर रहा है नहीं कर रहा, तुम ले गए मोदी तक, तो नहीं सुने, सुनो सुनो, तुम ले गए मोदी, तुम ले गए मोदी, तुम ले गए केजरीवाल, तुम ले गए, क्वेश्चन क्या था, ईमानदारी ईमानदारी से बताइए, नॉनसेंस मत, मेरी तरफ से अदानी ने जो किया है वो गलत किया है, और सरकार उसको कर रही है वो बिल्कुल सही कर रही है, राहुल के साथ अभी गलत हो रहा है, और रही बात संविधान की, संविधान तुम्हारा अकेलेगा नहीं है, हम सबका है, ठीक है, लुटेगा तो सबको दिखेगा, और तुम्हारा अकेलेगा कुछ नहीं होगा, ठीक, चलो सब कुछ बहुत बढ़िया है, सब कुछ बहुत बढ़िया है, केजरीवाल जी बहुत बढ़िया, इस बार मोदी आएगा, बात खत्म, तो देखा आपने इन्होंने तंज कसा है मोदी जी पे, हम इनसे फिर से बात करने की कोशिश करेंगे, बात तो करने दीजिए, काहे की बात, बात नहीं करने देंगे, ऐसे मत कीजिए आप।